हम बनाने जा रहे हैं सबसे इजी वाले समोसे, ठीक है। तो इसके लिए हमने 3 कप मैदा लिया है, ये 3 कप मैदा है। इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन, सॉल्ट, वन टेबलस्पून ऑयल, अच्छे से भर के 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छा से मिक्स हो गया है। ये बनने के बाद जिस तरह से ये गुठली बन जाएगा तो समझिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो रेडी करेंगे। डो जो है वो लूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट ही होना चाहिए। ये देखिए डो रेडी है। अब हम इसमें ऑयल स्प्रेड करके इसको ढक के रख देना है सेट होने के लिए, ठीक है। अब एक फ्राई पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज ओनियन चॉप किया हुआ। इसे फ्राई करना है कि हमारा ओनियन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। ये ओनियन सॉफ्ट हो गया, देखिए ट्रांसपेरेंट कलर का आ गया है। तो इसको अब हम एक सेपरेट बाउल में निकाल देते हैं। इसी फ्राई पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। वन टीस्पून के हिसाब से ऑयल ऐड किया। एक छोटा साइज का पोटैटो चॉप किया हुआ है तो ये ऐड करेंगे।
वाटर टीस्पून, हल्दी, चिली पाउडर, अच्छे से मिक्स करना है। और इसे कुक करना है कि हमारा आलू अच्छे से टेंडर हो जाए। ये देखिए पोटैटो अच्छे से कुक हो गया है, ये देखिए कट हो गया। इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसको भी हम एक सेपरेट बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये दो चीज़ हमने रेडी कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इटालियन हर्ब्स। ये मिक्स है, मिक्स हर्ब्स है, 1 टीस्पून ये ऐड हो जाएगा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मोज़रेला चीज़ ये 2 टेबलस्पून है भर के, ये ऐड हो गया। हरा धनिया, ये एक अंडा है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये इसमें से हाफ जाएगा। और ये 1 कप टूना है, तो ये हम ऐड करेंगे। आप इसके साथ, इसके जगह आप चिकन का रेशा जो छोटे छोटे होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं या कीमा ऐड कर लीजिए। हम ये टूना ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये मिक्स हो गया, ये रेडी है। तो अब इसको एक साइड रखते हैं, अब हम